नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धाकर और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी जानकारी। किसान साथियों, मौसम है भी बारिश का और मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द इत्यादि कई फसलें अपने बो दी है, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या आने वाली है और आ रही है वो किसानों के सामने ये है कि हर जगह खरपतवार। मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा कि मतलब चाहे खेत के अंदर हुई, मेड़ पे हुई या बाहर हुई, कहीं भी हुई, इतने खरपतवार पनप गए हैं कि हद से ज़्यादा कंट्रोल करना बहुत भारी हो रहा है। मतलब जिनके पास में कम ज़मीन है, जिनके पास संसाधन है, वो फिर भी बारिश नहीं आती उस समय खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है, ज़्यादा ज़मीन है या फिर बारिश ऐसा मौका नहीं दे रही है कि खरपतवार नियंत्रण कब करें, कृषि उपकरणों से खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, उस समय में हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रासायनिक खरपतवार नियंत्रण। तो दोस्तों, बात करेंगे आज मूंगफली की और सोयाबीन की। जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप, मूंगफली की फसल खड़ी है और खरपतवार में आपको बता दूँ साथियों, ये रही मूंगफली की फसल जिसमें खरपतवार देखेंगे आप ना, तो सरसों भी इसमें देखने को मिली, क्योंकि गए साल अपने इसमें सरसों लगाई थी तो उससे उसके बीज कहीं कहीं गिरे हैं, तो सरसों हैं, ये खरपतवार जो दूधी बोलते हैं वो है, ठीक है, ये करिकड़ा बोलते हैं वो है, क्षेत्रीय भाषा के नाम है, हो सकता है आपके वहाँ पर कुछ अलग नाम हो, ठीक है, ये देख लीजिए घास ऊपर नप रही है, ठीक है। तो इस तरह से कई तरह के खरपतवार देखने को मिले, ये अपनों ने पिछले सीजन में इसमें रजका लगाया था, उसके बीज हैं दोस्तों। ये मैं जस्ट अपने मेड़ के पास में ही हूँ, क्योंकि खेत गिला है, अंदर जा नहीं सकता हूँ मैं, इसलिए पास में बता रहा हूँ, लेकिन बाकी कई तरह के खरपतवार आप लोग को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ देख लीजिए आप, ये अपनी ट्यूबवेल है, पास में गाजर घास देख लीजिए, क्योंकि यहाँ गिला रहता है ना, तो गाजर घास सबसे ज़्यादा पनप रही है, तो इसी तरह से ये गाजर घास के बीज उड़ के अपने खेत में भी जाएंगे और वहाँ पर भी गाजर घास पनपेगी। तो किसान साथियों, इन सभी के नियंत्रण के लिए कुछ प्रभावी तरीके हैं, कुछ रासायनिक तरीके हैं, क्योंकि बारिश हो चुकी है तो अपन जो कृषि उपकरण है ना, उनसे तो निराई गुड़ाई कुलपाई कर नहीं सकते हैं। तो इससे समय में अपने पास एक ऑप्शन बचता है कि रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण किया जाए, यदि नहीं करेंगे तो अपनी फसल खराब हो सकती है, क्योंकि इतना खरपतवार होगा अंदर कि हद से ज़्यादा। किसान साथियों, खरपतवार अत्यधिक होने के कारण जो अपनों ने खाद दिए हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट खेत के अंदर है, जो अपने ऊपर से दिए हैं, तो वो सारे फसल से ज़्यादा खरपतवार उसको निगल लेंगे, खा लेंगे, ख़त्म कर देंगे, तो फसल अपने वैसे कमज़ोर होगी, खर्चा अपना बढ़ जाएगा, फसल कमज़ोर होगी, क्योंकि जो अंदर खाद बीज है, खाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कार्बन है, वो उस अनुसार को जो अब खेत के अंदर अपना खरपतवार हुआ ना, वो अवशेषित कर लेंगे, उसको सोख लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है खेत के अंदर कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा कम हो जाएगी, खाद की मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर फसल कमज़ोर होनी स्वाभाविक सी बात है, और अपने ने जो खाद दिया वो पूरा फसल को नहीं लग पाए, इसलिए टाइम से अभी खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि अपन क्या क्या सावधानी रखते हुए किन किन खरपतवार नाशी का उपयोग करें जिनसे खरपतवार नियंत्रण हो सके। किसान साथियों, इसके साथ ही अपन थोड़ा ये जान लें कि अभी जो मुख्यतः खरपतवार होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसमें एक आता सकड़ी पत्ती का, एक आता चौड़ी पत्ती का। तो रासायनिक विधि से जो खरपतवार नियंत्रण के जो कंपनियों ने खरपतवार नाशी निकाल रखे हैं, वो अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखे हैं, चौड़ी पत्ती का अलग दे रखा है और सकड़ी पत्ती का अलग दे रखा है। कुछ कंपनियों ने दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर दोनों जो सकड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती होती है उन पर काबू करने के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण तैयार कर रखा है। तो आज अपन दोनों की चर्चा करेंगे, जिसमें सकड़ी पत्ती होगी वो भी खत्म होगी और चौड़ी पत्ती होगी वो भी खत्म होगी। तो किसान साथियों, और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे खरपतवार नाशी हैं जिनसे अपन खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले एक नंबर पे अपन लेंगे शिखर नाम से एक खरपतवार नाशी है, जिसके अंदर 10% इमिजाथाइफर होता है, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हुए, जिसमें चोलाई हुई, अपना करीजड़ा हुआ, जितने भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशी है उन पे नियंत्रण करता है।
ठीक है। इससे आगे अपन लेंगे किसान साथी, और दूसरे नंबर पे लेंगे अपन सेलेक्टर नाम से एक दवा जिसके अंदर 10% मेथाइफर है। ये 1 लीटर के पैकिंग में आती है और 5 बीघे में स्प्रे का रिकमेंड किया गया है। यह भी चौड़ी पत्ती पर काम करेगी दोस्तों। इसके बाद में आएगी धनेश के एम्पलीफायर, तो दोस्तों इसके अंदर भी इमिडाथाइफर है, 10% है, ये भी चौड़ी पत्ती में काम करेगी। इसके बाद में आगे दोस्तों अपन लेंगे चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले, मतलब चौड़ी पत्ती खाली स्पेशल आपके खेत में सिर्फ चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, सकरी पत्ती का नहीं है, तो आप शिकर है, सेलेक्टर है, धनेश के एम्पलीफायर है, ये यूज कर सकते हैं। यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी है और सकरी पत्ती वाले खरपतवार भी है, तो दोस्तों आगे बात करेंगे अपन चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले दोनों खरपतवार के लिए। तो दोस्तों उसमें हाचीमैन नाम से एक दवा आती है जिसमें इमिडाथाइफर होता है और पीजुलाफोफ दोनों टेक्निकल मिले होते हैं, जिससे चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों पर काबू पाया जा सकता है। इसमें इमिडाथाइफर 15% और क्वाजिलाफोफ 7.5% का कॉम्बिनेशन आता है। यह 1 लीटर के पैकिंग में आपको मिलेगी जिसको अपन 5 बीघे के स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के लिए शाकित नाम से। दोस्तों बहुत अच्छा टेक्निकल आता है, इसमें कई कई मामलों में देखा गया है जो जिद्दी खरपतवार होते हैं मोतिंगा, जिसको मोथा भी बोलते हैं, मोतिंगा भी बोलते हैं, वो भी कहीं कहीं एरियो में ऐसा देखा गया है कि उसमें कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों शाकेत में भी इमिडाथाइफर 3.75% आता है और प्रोपा किजाफोप इसमें 2.5% आता है, जो सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों पर अच्छे से वर्क करता है। और कहीं कहीं यदि छोटा है और कम मात्रा में मोथा है उस पर भी कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों आप भी तो नहीं, मैंने 2 साल पहले डेमो लगाया था, उसके खेत में मोथा बहुत ज़्यादा था, तो उसमें चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती साथ में मोथा भी खत्म हो गया था, शाकत का ही डेमो था। उस आधार पर मैं कह रहा हूँ इसमें कहीं कई मामलों में मोथे पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। किसान साथियों उसके आगे बात करेंगे, एक टेक्निकल आता है धनिशा नाम से। धनिशा इमिडाथाइफर 10% होता है लेकिन ये सिर्फ चौड़ी पत्ती पर काम करता है। तो किसान साथियों चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के लिए अपन को अलग अलग स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। कुछ टेक्निकल ऐसे हैं जो चौड़ी पत्ती पे काम करेंगे और कुछ टेक्निकल ऐसे हैं जो घास वाले खरपतवार हुए ना उन पर स्पेशल काम करते हैं, उनके लिए एंजिल वगैरह आती है। जो सिर्फ यदि आपके पास खेत में सकरी पत्ती वाले खरपतवार है तो उस पर एंजिल वगैरह का स्प्रे अपन कर सकते हैं, लेकिन चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों हैं तो आप शाकेत वगैरह का यूज करके स्प्रे करके खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई तरह के कॉम्बिनेशन बाजार में अवेलेबल है, लेकिन आपको पहले खेत का विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके खेत में किस तरह के खरपतवार है, और उसके बाद में ही आप खरपतवार नाशी लाइए और स्प्रे करके खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सोयाबीन और मूंगफली के लिए खरपतवार नाशी की आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के किसी नए कॉन्टेंट में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।